न्यूज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाना परवीन, जानते हैं क्या है खबर। वरिष्ठ पत्रकार और समाज कर्मी आदरणीय श्री प्रसून लतांत जी बोले, सिंधु ताई का योगदान देश में ही नहीं दुनिया भर में भी बेमिसाल है। सैकड़ों संस्थाओं द्वारा सम्मानित सिंधु ताई को पिछले साल पद्म श्री मिला, लेकिन उनको यह सम्मान 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। बेगाने अनाथ बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए अपनी बेटी ममता को किसी और को गोद दे दिया था। लेखिका और समाज सेविका हेमलता महिस्के ने सिंधु ताई पर लिखी अपनी पुस्तक उनकी बेटी ममता को भेंट की। पद्म श्री प्राप्त सिंधु ताई पर हेमलता की पुस्तक हिंदी में लिखी पहली पुस्तक है, जिसकी सराहना की जा रही है। हजारों अनाथ बच्चों की मां सिंधु ताई पर पुणे में आयोजित कार्यक्रम पर शाहना परवीन की यह रिपोर्ट। हजारों अनाथ बच्चों की ममतामयी मां के रूप में विख्यात सिंधु ताई सब काल की याद में उनके पुणे स्थित आश्रम में आयोजित एक छोटे से समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और समाज कर्मी प्रसून लतांत ने सिंधु ताई के बारे में अपनी बात कही। लतांत ने कहा कि सिंधु ताई का अनाथ बच्चों के हित में किया गया योगदान बेमिसाल है। उन्हें महाराष्ट्र का मदर टेरेसा कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। लतांत का कहना है कि मदर टेरेसा बूढ़े और बीमार लोगों की सेवा करती थी, लेकिन सिंधु ताई ने देश के हजारों अनाथ नौनिहालों को संभाला और उनके भविष्य को सुंदर तरीके से गढ़ा और उनको आत्मनिर्भर बनाया। ऐसा बेजोड़ कार्य करने वाली सिंधु ताई देश में ही नहीं दुनिया भर की अकेली मिसाल है। इस मौके पर लेखिका और समाज सेविका हेमलता महिस्के ने सिंधु ताई पर लिखी अपनी पुस्तक उनकी बेटी ममता जी को भेंट की। पुस्तक भेंट करने से पहले सिंधु ताई पर प्रसिद्ध गायक सौरभ का गाया गाना रिलीज हुआ। इस गाने में सिंधु ताई के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर किया गया है। 20 साल के बाद जो है हमारी जान पहचान जो है इस लेखिका से भी जो पुणे में रखी है, ये मुझे यहाँ लेकर आई। आप देखिए कि 20 साल पहले बहुत ही सीमित था, अब मराठी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है इनके बारे में, लेकिन हिंदी में जो है ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो हेमाताई ने जो है इस पर हिंदी में किताब लिखी और कबर पर उनका फोटो इन्होंने शामिल किया। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मिलने के लिए, तो ये जो कुर्सी है झूलने वाली, इसके बारे में उन्होंने खास तौर से बताया कि पेड़ में साड़ी को बांध कर जिस बच्चे को मैं झुलाती थी, उस बच्चे ने बड़े होने के बाद मुझे यह कुर्सी भेंट की। और देखा कि मराठी में बार बार ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र की ये मदर टेरेसा है, लेकिन जब हमने पूरा इंग्लिश जीवन का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ताई ने किसी के जीवन का नकल नहीं किया, ये अपने आप में मौलिक है। यह तुलना करना व्यर्थ है। आप ये ताई अपनी भूमिका और त्याग और तपस्या के कारण पूरी तरह से मौलिक है, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये आज सरकार ने उन्हें 6 साल पद्मश्री दिया, लेकिन ताई को तो यह पद्मश्री 20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। आज तो इनको पद्म भूषण मिलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर आए दूर आए, मैं पर आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक ताई की अमरता का गान गाते हुए मैं थकूंगा। एक बात यह भी बताई थी कि मेरी बेटी थी, लेकिन ढेर सारे बच्चे थे। मैंने ताई को किसी को गोद दे दिया, इसलिए गोद दे दिया ताकि और बच्चे जो मैं अपने पास रख रही हूँ उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सके कि मैं अपनी बेटी के लिए ज़्यादा जान मारूँ और दूसरे बच्चों के लिए जान ना दे सकूँ। इसलिए ताई ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को किसी को गोद दे दिया और सारे दुनिया के बच्चों को मैंने गोद दे दिया, यानी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को भी दूर कर दिया। उनके बारे में जितना भी कहेंगे कहानी खत्म नहीं होगी। जहाँ आज मैं ऐसे समय में आया जब गीत बज रहा था और इस गीत में जो है उनके ही तमाम जो व्यक्तित्व का जो विशेषता है, जो खासियत है, वो इन्होंने उभारने की कोशिश की है।
और इस गीत को देखने के बाद लगा कि अब उनको यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वो महाराज की। बाद में सिंधुताई के आश्रम की ओर से आदरणीय श्री प्रसून लतांत जी, गायक सौरभ जी और हेमलता महिस्के जी को सम्मानित किया गया। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर भूज न्यूज डेस्क के साथ।